नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत में और राकेश। पटना के संपतचक में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। यह धरना प्रदर्शन नागरिकता संशोधन कानून NRC और NPR को लेकर किया गया था। आपको बताते चले कि इस दौरान पप्पू यादव ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ साथ उन्होंने बिहार में बढ़ते अत्याचार क्राइम का ग्राफ बढ़ते को लेकर चिंता जताई, साथ ही साथ बिहार सरकार पर हमला बोला। आपको बताते चले कि नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद अब वो कानून का रूप ले चुका है और अब वो कानून भी लागू हो चुका है। इसे लेकर संपतचक में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव और उनके समर्थकों द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। इस दौरान पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। 50 लाख लोग हर साल इस देश से बाहर जाता है, कनाडा, लंदन, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, दुबई, जहां जाके पैसे वाले लोग जाके नागरिकता लेते हैं, 50 लाख। और 30 लाख लोग लगभग हर साल यहां आते हैं, जिनको रहना होता है रहता है, जिनको नहीं रहना होता है वो चला जाता है। नागरिकता NRC या CAA या NPR ये कोई सवाल नहीं है। आप जानते हैं 6 सालों के अंदर हमारा 28 स्टेट है, हम लोगों के पास 22 स्टेट गरीबी रेखा के नीचे था और 5 दिन पहले 28 स्टेट गरीबी रेखा के नीचे हो गया। मतलब अगर 25 स्टेट, 3 स्टेट मात्र बचा है जो गरीबी रेखा से ऊपर है। अब आप 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी कोई एक काम बता दीजिए हमको, इस मुल्क में कोई एक सिंगल काम, हिंदू मुसलमान ST SC बैकवर्ड फॉरवर्ड, गाय गंगा गोरू छिपकली कब्रिस्तान शमशान ईद बकरी 370 तलाक पुलवामा, नफरत के अलावे कोई एक काम आप हमको बता दीजिए, गाली गलौज के अलावे। यदि एक घर में एक ठो दियाद का बंटवारा होता है, एक परिवार का बंटवारा आज हो जाए तो 10 साल में परिवार होश नहीं करता है। एक सगे भाई का बंटवारा हो जाए, एक सगे घर में झगड़ा हो जाए तो वह परिवार टूट जाता है। एक मोहल्ले में झगड़ा हो जाए वह मोहल्ला टूट जाता है। एक गांव में यदि 20-20 आदमी पर केस हो जाता है वो गांव टूट जाता है। आप मुल्क तोड़ने की बात हमेशा करते हैं, कभी आप इस बात को समझे कि इस देश में 13 करोड़ 32 लाख नौजवानों को 6 साल के अंदर आपने बेरोजगार कर लिया, 13 करोड़ 36 लाख बेरोजगार नौजवान जो रोजगार करता था आपके रीजन में बेरोजगार हो गया। 40% वर्ल्ड का मिनरल लोहा सोना सबसे ज्यादा हमारे एशिया में और वर्ल्ड का 40% मिनरल है सिर्फ एक स्टेट में जिसका नाम है झारखंड। वहां के मूलवासी आदिवासी इस धरती का सबसे पहला समाज मूलवासी आदिवासी से हम लोग शुरू हुए और उसके थाली में आज तक दाल और सब्जी नहीं गया आज तक। आज कल हम चायबासा से आ रहे हैं, सुबह हम चायबासा से आए, नहीं थे हम सनातनी थे, हम मानवतावादी थे, हम सिंध सभ्यता में रहने वाले लोग, कोई हिंदू नहीं है। लड़ाई यहाँ आज गोरखनाथ की थी, आइडियोलॉजी की थी, उसके बाद आपने इस देश के गरीबों की तहजीब को चोट किया, इतना चोट किया कि उसको जानवर से बदतर बना लिया और तब वो बौद्ध को कबूल किया। एक भाई बौद्ध को कबूल किया, दूसरा भाई इस्लाम कबूल किए 600 साल खूनी कबूल किया, ऊपर से तो मुसलमान पैदा लिया नहीं। शेख कौन है, ब्रह्म सैयद कौन है, भूमिहार समाज पठान और खान कौन है, रायपुर से रहवर को, ये सुरजापुरी और पसमंदा मुसलमान कौन है, जागर मंडल मातो भीम पासवान रामचंद्र दलित मुसलमान उसे बया हमसे डाइवर्सन हुआ था और कौन है। किरातपुर कौन है, किरातपुर नहीं, ये झाप कौन है, ब्राह्मण कौन है, मेरा खून नहीं है, ये पासवान कौन है, मेरा खून नहीं है, कितना फर्क करते रहेगा इस मुल्क में। और जब एक समाज और एक गांव में
एक महीना तक लगातार झगड़ा चलता है एक ब्लॉक में, एक परिवार में। वो परिवार 10 साल तक खुश नहीं करता। जिस मुल्क में आप इतना मतलब पैदा करोगे कि मुल्क कभी तरक्की करेगा, टूट जाएगा बाबू। मुल्क की इकोनॉमी कहां से लाओगे? 2% 2.8% मात्र देश का बजट है, जीडीपी बच गया है। और नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।